हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुजू फूड एंड फन। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सब्ज़ी बनाएंगे, वो है अरबी की सब्ज़ी, और वो भी कुकर में। ये बहुत ही झटपट बनने वाली सब्ज़ी है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुकर में 4 टीस्पून ऑयल लिया है, उसमें मैंने 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स और 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड डाल दिया। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल देती हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 प्याज लिए हैं, उसे मैंने चॉप कर लिया है, इसे भी हम तेल में डाल देते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अनियन थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। अनियन थोड़ा फ्राई होने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें अब हम डालते हैं 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है, जो कि गार्लिक पेस्ट है। इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं जब तक कि अदरक और लहसुन का स्मेल, वो जो एक कच्चा स्मेल रहता है, वो थोड़ा हम इसे दूर करते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे 4 टमाटर लिया है और 2 लाल मिर्च, इन सब का मैंने एक पेस्ट बना लिया था। इसे मैं इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेती हूँ। इसके बाद हम 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डाल देते हैं और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दिया। इसे भी आप अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर पाउडर डाला है। इसे एक बहुत ही अच्छा खट्टा सा टेस्ट आता है, जो कि सब्जी के टेस्ट को और ज़्यादा एनहांस करता है यानी कि बढ़ाता है। इन सब को आप अच्छे से मिक्स कर दें। अब हम नमक डालते हैं, तो आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून और थोड़ा सा डाला है। साथ में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीनी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने अरबी को अच्छे से काट कर धो लिया और उसके बाद उसे पील करके चॉप कर छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इन सब को आप अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लें। तो याद रखें, अरबी काटते समय आप थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लें ताकि यह आपके हाथों में चिपके नहीं। आप देख रहे हैं, मैंने थोड़ी देर इसे मसाले के साथ भून लिया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला डाल देती हूँ। इसे भी आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है, तो पानी आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। अगर आपको बहुत पतली ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी डालें। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा थिक ग्रेवी चाहिए, तो इसीलिए मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया। कुकर का ढक्कन लगाकर इसे आप 3 विसिल तक होने दें। उसके बाद जब विसिल हो जाए, तो मैंने यहाँ पे इसे और इसका कुकर का ढक्कन निकाल करके थोड़ी देर के लिए मैं इसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें धनिया थोड़ा सा मैंने चॉप करके रखा था, तो धनिया के पत्ते से मैंने इसे अच्छे से गार्निश कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी झटपट से बनने वाली और बहुत ही सॉफ्ट हो गई है ये बनकर। आप देख सकते हैं कितने जल्दी और कितना यमी सा ये रेसिपी बनकर तैयार है। आप घर पर अरबी की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। यहाँ पे मैंने एक थाली रेडी किया है, जिसमें मैंने गर्मा गर्म फुल्का दिया है और उसमें मैंने थोड़ा घी लगा दिया। साथ में मैंने यहाँ पे स्टीम्ड राइस, अरबी की सब्ज़ी और थोड़ा सा सैलड बना करके प्लेट को सजाया है। तो आप भी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी और ऊपर आई बटन पर भी इसका लिंक रहेगा, तो उसे क्लिक कर आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।